चलो फिर ब्लेड से ही कर दो लेकिन ख्याल से कट न लग जाए बेगम हो छोटे भाई ब्लेड नया डाला है खातिया क्लीन शेव भाई ब्लेड चेंज किया है वैसे खत अच्छी लगेगी अरे भाई कुछ पूछ रहा हूँ ब्लेड नया डाला है कि नहीं जी भाई डाला है क्लीन शेव कर दो आए आए, किस से मिलने जा रहे हो आपकी बात <laughs> सर पीछे कर दो और बेफिक्र हो जाओ इंशाल्लाह तसल्ली बख्श काम होगा विजय भाई मुझे अभी भी शक हो रहा है तुमने ब्लेड नहीं बदला था भैया किधर चले गए जी छोटे भाई बस एक मिनट हाँ अच्छे से नीचे तक साफ करे कमी से। अबे भाई देर हो रही है बस एक मिनट भाई बस एक मिनट अबे ये क्या बगल शेफ आपने भी करानी वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो हमारे माशरे के एक ऐसे पहलू के नाम जो तमस्कर और मिज़ा की एक मुनफरिद मिसाल से कम नहीं बस मजाक को ढूंढने और पहचानने वाली निगाह चाहिए आज की वीडियो नाई की दुकान के नाम कमजोर उठो बाबा के साथ जाओ बाल कटवा गया बहुत बड़े हो गए नहीं ना मामा ठीक तो है परसों से स्कूल खुल रहे है, साल में तुम्हें घुसते नहीं देंगे अरे मामा कुछ नहीं होता ना क्या चक्कर है किसको दिखानी है जुल्फे पढ़ाई में ध्यान दो शोबाजी से दूर रहो ये उम्र नहीं है तुम्हारी मामा बालों का पढ़ाई से क्या ताल्लुक बहस बंद करो बाबा के साथ जाओ इसी बात आज साहब आ जाओ बेटा <laughs> नहीं बाबा कट लग जाएगा ना अरे कुछ नहीं होता बेटा जाओ आ जाओ जाओ आ जाओ बेटा आ जाओ कुछ नहीं होता आप तो बहादुर बच्चे हो ना बेटा अच्छे बच्चे डरते थोड़ी ना अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा <laughs> शाबाश बड़े तेज बच्चे यार इसके ना अच्छे से बाल काटने ट्रिमर पकड़ो टेंड कर दे इसकी मुलायम सी आ जाओ बेटा इस फट्टे पे बैठियो आ जाओ मैं बैठा देता तो अजी शेव करवाओगे शेव <laughs> बस अगले साल से इसकी भी दाढ़ी आ जानी है हाँ भाई बच्चे तो बस इतना तेजी से बड़े होते और ये अरे बस देखने में बच्चा अंदर से पूरी चीज है <laughs> क्यों भाई <laughs> अरे चुप 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 बस 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 मामा मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने आपने कुछ मंगवाना तो नहीं अच्छे बले बाल है बेटे क्या जरूरत है बाल कटवाने की कुछ दिन रुक जाओ वैसे अभी नजला जुकाम वायरल फैला हुआ है और नाई की दुकान तो दुनिया जहाँ की बीमारी का गढ़ है आराम से घर पे बैठो अरे नहीं ना मामा ट्रिमिंग जरूरी है सारी लुक खराब हुई पड़ी है फैशन सेहत ऐसी से बढ़कर है अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ अल्लाह हाफिस सिर ना रहा कान कटवा लेने सर थक रहा है भाई एक जगह टिका के नहीं रख सकता गुद्दी हिलाई ना बस एक मिनट नाक पे खारिज कर लू नहीं बहुत खारिश हो रही है पता है गर्दन भी थक रही है इलाना मत कान काट दूंगा जी आराम से भाई, भाई मशीन बेर दो पूरे सर पे अच्छे वाले बाल तो है भाई खैरियत ही तो नहीं है क्यों क्या हुआ ये क्या स्कूल वालों ने टक लगा दी लंबे वालों की वजह से एक्सक्यूज मी जी मैडम ये आप यहाँ क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ खैर होगी मैडम क्या कर दिया ये मेरे बच्चे का क्या हुलिया बना कर भेजा है आपने <laughs> मैडम आप गुस्सा ना हो जैसा इसने बोला वैसे ही कटिंग करी है मैंने आपको पता तो है कैसी कटिंग करनी है हर बार अपने अब्बू के साथ आता है इस बार पहली दफा ये अकेला आया तो आपने इसका पूरा हुलिया ही बिगाड़ दिया मैंने जिंदगी में ऐसी कभी कटिंग नहीं करवाई इसकी मैडम इसने खुद ही बोला नुराक वाले बाल काट दो और आपने काट दिए मैंने काट दिए फिर मैडम आप टेंशन ना लो आप बेटो आप जैसा कहोगे वैसी कटिंग हो जाएगी आओ बेटा बैठो मामा भी तो रहने दे, अगली बार सही कटवा लूंगा चुपचाप बैठ जाओ और बाल कटवाओ सही से कैसी कटिंग कर दू मैडम आप ऐसा करें इसका प्याला कट करते है प्याला कट जी इसके सर पे प्याला रखे और प्याले से बाहर जो बाल नजर आए गायब कर है मामा नहीं बचपन में भाई समेत बाबा के साथ जब भी बाल कटवाने जाते थे तो भाई की कटिंग के वक्त नाई से छुप कर भाई को शीशे में हंसाने का अपना ही मजा था। <laughs> बड़ी हसी आ रही वो भाई सारे। रहे कौन मैं? नहीं तो अच्छा 으흠 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 आप यकीन करो सुफियान भाई मैंने उसका वो हाल किया वो हाल किया कि आज तक वो मेरे सामने नहीं आता वो जो बड़ा शेर बना फिरता था ना आज वो गीदड़ बन ना वो इधर कोनों में फिर रहा है तो आपका भाई तो फिर ऐसी चीज है बहुत अच्छा किया सुफियान भाई तेल नहीं लगा रहे हो आप आजकल यार टाइम ही नहीं मिलता ऊपर से मौसम का भी तुझे पता है छोड़े सरसों का तेल पकड़ा सुफियान भाई आज आपकी ऐसी मालिश करूंगा ना पूरा जसम जी उठेगा आपका जी अः जीता रहा मेरा भाई सनाउल भाई कितनी देर है बस इनके बाद दो और कस्टमर है फिर आपकी बारी ये चेक करना है डार्क सर्कल ज्यादा नहीं हो रहे मेरे ख्याल से फेशियल भी कर दो बे यार आपने वैक्सीन तो कराई हुई है ना जी आ, कुछ नहीं अच्छे बले बाल हैं यार पता नहीं क्या मसला है अम्मी को बालों से आजा भाई यार ये इस तरह के बाल काट दो साइडों से छोटे और ऊपर से वजन ज्यादा बहुत छोटे नहीं करने बस सेट करने चश्मा उतार दे अच्छा पीछे से स्लोप नहीं करनी है चश्मा उतार दे। खाबा ऊपर से ज्यादा छोटे ना करना पढ़ते हो हाँ। कॉलेज में स्कूल में हाँ कॉलेज में पढ़ता हूँ कॉलेज में लड़कियाँ हैं? यार आप कटिंग पे ध्यान दो ना भैया आप तो नाराज ही हो गए <laughs> बाबा बाबा कैंची तेज होती है ना जी बेटा जी बाबा आमना तो लड़की है तो वो यहाँ से क्यों बाल कटवाती है यहाँ से तो लड़के कटवाते हैं ना वो छोटी है ना बेटा मैं भी तो छोटा हूँ तो मैं ब्यूटी पार्लर से क्यों नहीं कटवा सकता दे यार चुप हो बेपीन साइडो से देख ले जो बेहतर लगे ऊपर से ठीक है चश्मा पकड़ा है ऐसे नजर नहीं आ रहा ठीक है इस साइड से और छोटे नहीं हो सकते नहीं भाई इधर से और छोटे किए ना तो ये खड़े हो जाएंगे ये इतने ही ठीक है अच्छा पता नहीं चले आप करें कटिंग मैं एंड में देखूंगा चश्मा उतार दे अबे यार तो चश्मे ने बड़ा तंग किया है मामा वो कोई गले की दवाई पड़ी है क्यों कुछ नहीं वो हल्की सी खराश है गले में और जाओ नाई के पास मना किया था ना अब तो गलती हो गई ना <coughs> यार आपको कहा ना काम पे ध्यान दो उस वक्त से फजूल नाजेबा बातें कर रहे हो मेरा छोटे भाई मेरा फर्ज है आपको गंदी बातें बताना मई नहीं बताऊंगा तो और कौन बताएगा लो जी तुम्हारी भाभी भी की गल आ गये ਯਾਰ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਕਸਿਓ ਜਾਨੂ ਤੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦਸਦੀ ਰਹ ਮੈਂ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ यार आपको मालूम है ये जो सांस है ना सांस बताती है जी सही बात है सही बात है अरे चाचू सुनो तो सही सुन रो सुन हाँ तो ये जो साइंस है ना साइस से पता लगा है कई साल पहले ना पुराने दौर में दुनिया जो थी ना आज से भी ज्यादा जदीद थी तो फिर बाद में सारी तबाही हो गई लेकिन कहते हैं जो टेक्नोलॉजी है ना आज के मुकाबले में उस दौर की टेक्नोलॉजी जो थी ये कई ऊपर थी अच्छा हा भाई ये तो अब आपके भाई को इतनी नॉलेज है ना इन चीजों के बारे में सनोल्ला भाई घंटा हो गया यार मुझे बस छोटे भाई अगली आप ही की बारी है यार भाई को ठंडा लागे दो तो। अरे नहीं नहीं बहुत शुक्रिया बस बाल काट दो यार मैंने चाय मंगवा दू? ओहो ये क्या लाइट चली गई <laughs> आप ऐसा करो बाद में आ जाना कैसे खराब बाल काटे ना इसने तुम्हारे ये क्या ओलिया बनाया भाई क्या ना बाबा अच्छे वाले लंबे बाल थे आप लोग की वजह से खराब हो गए साल लगा कर लंबे किए थे बाल चलो कोई बात नहीं फिर बढ़ जाएंगे आपने पिछली बार भी यही कहा था अब जा रहा हूँ मैं किधर टेंट करवाने मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए आप लोगों को एंटरटेन करने की मेरी मामूली सी कोशिश एक बार फिर कामयाब हुई होगी एक बहुत अहम बात जो मैंने आपको याद दिलानी थी वो ये कि मैं अपने चैनल स्टार्ट में देख रहा था कि आप में से फोर्टी फाइव मेरी वीडियो देखने वाले ऐसे भी दोस्त है भूल गए तो आप में से वो लोग जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और जिन्हें जेनवली मेरा काम पसंद है आई डू अर्ज यू टू सब्सक्राइब क्यूँकी जब आप सब्सक्राइब करोगे तभी यूट्यूब के अगर आपकी जगह और नए लोगों तक मेरा कॉन्टेंट पुश करेगा बाकी आई स्टिल ट्राई बेस्ट मैं मैक्सिमम कॉमेंट पढ़ू सो कीप शेयरिंग योर की बैक यू कैन ऑलसू सपोर्ट दिस शो फाइनेंशियली ऑन पेट्रद एज लो एज वन डॉलर लिंक डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह आज के लिए शहर को इजाजत दे मिलता हूँ अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज